नेता एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। मंगलवार को प्रभारी मंत्री राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने सीता देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। आइए आपको भी दिखाते हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरों में हम आपको श्री देवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी के शुभारंभ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित राम नरेश अग्निहोत्री और प्रधान संघ अध्यक्ष अविनाश कृष्ण सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इससे पूर्व शांति के प्रतीक सफेद कबूतर गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। मेला प्रांगण में स्थित शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। राजस्व मंत्री ने प्रदर्शन के शुभारंभ पर कहा कि प्रदर्शनी जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी काफी लोकप्रिय है। मेला अवधि में आयोजन होने वाले कार्यक्रमों से लोगों का स्वास्थ्य मनोरंजन होगा। सभी स्थानों में प्रतिभाग दिवस महिला एवं मातृ शिशु कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कवियों शायरों और महिलाओं को कादंबरी मंच के माध्यम से विचार प्रस्तुत करने के अवसर मिलेंगे। प्रभारी मंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित चित्र प्रदर्शनी श्रीदेवी मेला में आने वाले जनता के लिए उपयोगी साबित होगी। चित्र प्रदर्शनी में प्रदेश के समग्र और संपूर्ण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं को दर्शाया गया है। सुधार प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ जनपद मैनपुरी में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे भी यहाँ के प्रशासन द्वारा हमारे सभी जनपद मैनपुरी के सम्मानित जनता जनार्दन के सहयोग से मुझे भी यहाँ इसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं संपूर्ण मैनपुरी की जनता जनार्दन को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को, सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ ये पूरे महीने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, उसमें किसी तरह की बाधा विघ्न ना आए, बारिश वगैरह ऐसा मैं समझता हूँ ना हो, ये बिना किसी जो है उसके विघटन के द्वारा चले, ऐसी मैं माता शीतला देवी माता जी से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरे महीने चले और यहाँ के हमारी महान जनता को इसका आनंद प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।